गुड मॉर्निंग गाइस, विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पता लग गया सेल क्या होता है। एक तो सेल होता है जो हम लोग बैटरी के अंदर, घड़ियों के अंदर डालते हैं, यहाँ पर उस सेल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सेल की बात हो रही है जिससे हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स दैट हैज क्रिएटेड आवर बॉडी। तो सेल्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कैसा है और उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम होते हैं उसके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? आपको पता है हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो दो ही पार्ट में बटी हैं, कुछ तो लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। जहाँ बैठे हैं जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये सब ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सब ये नॉन लिविंग, और आप लोग जो है वो लिविंग हो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग दो ही चीजें होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ खास काम करते हैं। हमने पढ़ा था, याद है ना, लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस पढ़ा था कि लिविंग बींग जो है वो बढ़ते हैं, नॉन लिविंग नहीं बढ़ते हैं। लिविंग लोकोमोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं करते हैं। उनको हमें मूवमेंट करवाना पड़ता है। अब चेयर को, टेबल को आप उठा के बेंच को वहां से वहां रख दोगे, मूवमेंट हुआ, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ हमने पढ़े थे डिफरेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग, जो लिविंग जो है वो अपने कुछ फंक्शंस करते हैं। जैसे कि आप खाना खाते हो, खाना फिर अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट खुद करते हो कि अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है, हम नहीं करते कुछ, ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शंस हैं ये खुद ब खुद हो जाते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। In this chapter, you should learn about the basic structural unit of an organ, which is a cell. तो आपको पता है कि जो हम organ system बोलते हैं पूरा, देखो अब जैसे organ की बात करें, sense organs हो गए, eyes, nose, etc. फिर stomach, liver, small intestine, large intestine, esophagus, ठीक है। तो ये क्या है, सब organs हैं। अब ये जो organs हैं वो सेल से बने, किससे बने, सेल से। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। अब सेल्स को, चलो ये तो मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दिया, कुछ पता नहीं लगा क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। लेकिन अब सेल को हम कंपेयर कर रहे हैं, घर बनता हुआ देखा ना, घर बनता है ईंटों से, ब्लॉक से बनता है। तो सेल जो है वो समझ लो ईंटें हैं। हमने पहले ब्रिक ली, ईंट ली, ईंट सीमेंट वगैरह मिला के ईंट से दीवार बनाई, दीवार से हमने चार दीवारें बनाई, छत बनाई, तो बन गया कमरा, एक कमरा हो गया। अब वैसे दो कमरे बना दिए तो बन गया घर, बन गया ना घर। वैसे जो ब्रिक्स हैं, ईंटे हैं, वो सेल होते हैं। सेल जो है, सेल्स को मिला के बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। देखो सेल ईंट है, सेल से बनेगा टिश्यू, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। समझ में आ रही है? एक सेल है, ये सेल है सपोज मेरे हाथ में, ठीक है। इस सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हमने जोड़ दिए तो बन गया टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज को जोड़ दिया तो बन गया ऑर्गन, और दो तीन चार ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को मिला के बनती है हमारी पूरी बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म बनता है। हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे प्राणियों की बात कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म बनता है। अब तुम बोलोगे कि सर ऑर्गन सिस्टम समझ नहीं आया, क्या होता है ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन तो समझ लो भी लीवर, स्टमक, ये सब ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है कि ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। इसका काम क्या है? खाने को पचाना, ठीक है, ओके। वैसे ही जो लंग्स वगैरह है हमारी, सांस जो है यहां से जाती है अंदर, लंग्स में जाती है, तो ये हमारा हो गया पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सुना है ना ये नाम, ठीक है। वैसे ही नर्वस सिस्टम,
ठीक है, तो ये सिस्टम बन जाता है पूरा, और सिस्टम को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब। ही ऑल्सो नोटिस दैट, सॉरी मैं गलत पेज पे चला गया, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल तो समझ आ गया क्या होते हैं, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। अंडरस्टूड? ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉक इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्टीशनड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर पिक्चर जो दी गई है, यहाँ पिक्चर है आपके पास एक, तो पिक्चर में जो आप देख रहे हैं हनीकॉम, मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, कि वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। तो रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने 1665 में कॉक होता है एक पेड़ की छाल, समझो क्या होता है, पेड़ की छाल होती है, उस पेड़ की छाल से, छाल का जो पार्ट है उसको कॉक कहा जाता है, ठीक है। उस कॉक को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा उन्होंने, तो उसके अंदर उनको दिखा अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे जमीन पे आप चाय पत्ती बिछा दो, चाय पत्ती कैसे दिखेगी, डॉट 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 दिखाएंगे चाय पत्ती, तो उसी तरीके से इनको डॉट 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 दिखाई देने लगा, जो कि आपके 8.1 फिगर में दिया गया है। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस ऑफ सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल्स। अब हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता देखा आप लोगों ने, वो कैसा होता है, उसमें ऐसे डॉट डॉट्स बने होते हैं, डॉट डॉट होते छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, वैसे जुड़े हुए होते हैं लेकिन बीच में दीवार होती है, एक दूसरे से वैसे अलग होते हैं लेकिन वैसे जॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ठीक है। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। अब सेल्स जो हैं, अब ये तो पेड़ के सेल्स थे कॉक के, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं उनको हम देख पाए, कब देख पाए, जब हमें अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स मिल रहे हैं। माइक्रोस्कोप में देखा जाता ना, नंगी आंखों से नहीं दिखता ये, अब तुम ऐसे देखोगे सेल नहीं दिखेगा तुमको, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स थे उनको देखने के लिए काफी हाई लेवल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ी। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी, उसके 150 साल बाद तक भी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें नहीं मिल पाई। टुडे वी नो लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। आज हमें सेल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो पता सिर्फ इसीलिए है क्योंकि माइक्रोस्कोप्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स आ गए, बहुत बढ़िया बढ़िया, इस कारण से। द सेल, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जैसे कि एक दीवार, एक घर जो बनाया गया, एक बिल्डिंग बनाई गई है, वो किससे शुरू हुई, ईंटों से, ब्रिक से हुई ना, अगर ब्रिक निकाल देंगे तो बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ब्रिक्स जो है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। वैसे ही सेल जो है वो ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर का बेस है, बेसिक। अगर सेल नहीं होंगे, ईंटें नहीं होगी तो घर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, तो वैसे ही सेल नहीं होगा तो बॉडी बनेगी, ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं बनेगा। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइजेस। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cell in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. अब जैसे आप देखते हो कि भाई घर सारे किससे बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, घर है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज है ईंटों से बनाई जाती है, बिल्डिंग वगैरह कोई भी स्ट्रक्चर, लेकिन वो सब देखने में एक जैसे लगते हैं। मेरा घर और बाजू वालों का घर एक जैसा दिख रहा है, तुम्हारा स्कूल और बाजू वाला स्कूल एक जैसा दिख रहा है, सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन बने किससे हैं, वो ईंट से बने, ब्रिक से बने, लेकिन फिर भी अलग दिखते हैं। वैसे हम सब लोग सेल से बने हैं लेकिन फिर भी हम अलग दिखते हैं, ठीक है। तो सेल्स को हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग ब्रिक्स है, और ये ईंटें जो है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ईंटें क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन सेल्स जो है दे आर द लिविंग स्ट्रक्चर्स।
यहाँ पर आपकी बुक के अंदर पिक्चर जो दी गई है 8.2, उसमें एक तरफ ब्रिक वॉल ईंटों की दीवार दी गई, ईंटों से दीवार बनती कैसी दिखती है, ठीक है। दूसरी तरफ ऑनियन पील, ऑनियन पील मतलब प्याज का छिलका दिया गया, वो भी ईंटों की तरह दिखाई दे रहा है, बुक में देख सकते हो, ईंटों की तरह दिखाई दे, तो ये दोनों सिमिलर। द एग ऑफ अ हेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक ही सेल से बना होता है, सिंगल सेल। मुर्गी के अंडे में कितने सेल होते हैं? एक ही सेल होता है, इसीलिए उसको हम देख सकते हैं। अंडा दिखता है कि नहीं तुमको? अंडा दिखता है ना, बहुत बड़ा होता है, वो एक ही सेल होता है इसलिए दिखता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर एंड शेप एंड साइज। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्निफाई ऑब्जेक्ट्स। Stains, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. The organs also vary in size, shape, and number of cells. Let us study about some of them. Scientists क्या करते हैं? इसके लिए dye, stains बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? Stainer. यानी कि जो चीज़ को study करना होता है ना, cell का part जो भी, onion का छिलके को ले लो। फिर ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा उसके अंदर डाई मिला दी जाती है, एक दो बूंदे उसके ऊपर स्टेन। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर ऐसी एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं, तो उसके ऊपर डाई डाली जाती है, कलर एक तरह का। वो कलर से क्या होता है, उसके अंदर के सेल ना अलग कलर के दिखते हैं, तो हमें स्टडी करना भी ईजी होता है, तो ऐसे किया जाता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने ऑर्गेनिजम हैं हमारी धरती के ऊपर, बता सकते हो तुम लोग? नहीं बता सकते, बहुत सारे, अभी भी ऐसे बहुत सारे जो हमें पता ही नहीं, बहुत सारे ना। तो ऐसे में ये सेल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, अलग अलग शेप के हैं, कोई बड़ा है, छोटा है, चींटी भी है, हाथी भी है, छोटी सी चिड़िया आती है बिल्कुल छोटी, हमिंग बर्ड बोलते हैं, वो भी है, ऑस्ट्रिच भी है, पेंगुइन भी है, वेल भी है, शार्क भी है, तो छोटे से बड़ा सब कुछ है। तो इनका साइज अलग है, शेप अलग है, ठीक है। अब इनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी अलग अलग शेप साइज के, ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पहले नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस और ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप साइज। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अब आप एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, बहुत सारे सेल्स हैं, हम गिन नहीं सकते, इतने सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब सेल्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में होते हैं। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, हमारे ऑर्गन तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है, तो सब अलग अलग करते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, सेल्स के अलग अलग ग्रुप हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, सबका काम अलग अलग है। अ बिलियन इज अ थाउजेंड बिलियन, अ ट्रिलियन इज अ थाउजेंड बिलियन, यहाँ पर कैलकुलेशन दी गई है हजार मिलियन की बात। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल। अब ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में बांटा गया, हमने देखा ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनता है? सेल से बनता है। इस आधार पर इनको बांटा गया है दो पार्ट में, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर, एक होते हैं यूनिसेल्युलर। The organisms जिनके अंदर एक सेल होता है उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर या फिर सिंगल सेल्ड एनिमल। जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीप्लाई, मल्टी मतलब बहुत सारे, यूनि मतलब एक, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स बींग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg multiplies and the number of cells increases at development proceeds. तो हमने देखा कि सेल से चीजें बनती हैं, ठीक है। अब इंसान के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो चींटी के अंदर तो फिर एक दो सेल ही होंगे, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ नंबर ऑफ सेल्स अलग होंगे, कंपैरेटिवली अलग होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चींटी है तो उसमें एक ही सेल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि छोटे जीव हैं, तो तुमने देखा है हम इतने बड़े हैं, तो हाथी इतना बड़ा होता है,
वेल उससे भी बड़ी होती है, ठीक है, तो वो जो खाना खाते हैं उनका पेट बड़ा होता है, तो उनके जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं सेल्स के द्वारा, बॉडी पार्ट्स के द्वारा, वो सेम वही होते हैं। अब हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर ये आंखें हैं, ये पूरा बॉडी पार्ट्स हैं, ये देखो स्टमक है, ठीक है, तो चींटी तो इतनी सी होती है, उसके अंदर स्टमक कहाँ होगा, हम सोचे वो तो शुरू होती खत्म हो जाती है, हमारी ऐसे चुटी भर लेंगे हम तो मर जाएगी बेचारे, लेकिन उसके अंदर भी सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं सेल्स के द्वारा, ठीक है, तो भले छोटा जीव हो या बड़ा हो उसके अंदर सारे सेल्स जो हैं वो फंक्शन सारे परफॉर्म करते हैं। ये जो सेल्स हैं, अब तुम बोलोगे भी बड़े जीवों के अंदर ज्यादा सेल्स होते हैं ज्यादा ऑब्वियसली, लेकिन वो जो सेल्स होते हैं वो एक सेल से शुरू होते हैं, जब एग बनता है यानी कि फर्टिलाइजेशन शुरू होती है जब, उस समय एक सेल होता है, फिर एक से मल्टीप्लाई होकर वो दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसे बढ़ते रहते हैं, फिर वो बिलियंस और ट्रिलियंस तक पहुंचते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, एक सेल से शुरू होती है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, तो जैसे जैसे सेल्स एक से शुरू होते हैं फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। Look at figure 8.3, A and B, both organisms are made up of a single cell. The single-celled organisms are called unicellular. अब यहाँ पर 8.3 A figure दिया गया है, अमीबा और पैरामीशियम, आपने नाम सुना होगा इनका, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों ही एक सेल से बने होते हैं, इसीलिए इनको सिंगल सेल्ड एनिमल भी कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, या फिर यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब एक, सिंगल मतलब एक, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे, अंडरस्टूड। A single-celled organisms perform all the necessary functions that multicellular organisms perform. अब single-celled animal जो होता है organism, वो भी वो सारे function करता है जो multi वाले करते हैं। Multicellular मतलब जिसमें बहुत सारे cells होते हैं, unicellular मतलब एक cell वाला, तो multicellular में तो बहुत सारे cell हुए तो अलग अलग function perform करेंगे, तो इसका मतलब क्या फिर single cell वाले में तो फिर cell ही एक है, तो क्या वो function नहीं करेंगे सारे, वो एक cell सारे function करते हैं, समझ आई बात। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी खाना हम अलग जगह से खाते हैं, देखते हम अलग जगह से हैं, सुनते अलग जगह से हैं, डाइजेशन का काम अलग होता है, रेस्पिरेशन का काम अलग होता है, एक्सक्रीशन का काम अलग होता है, क्योंकि हम लोग मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या फिर सिंगल सेल वाले में ये नहीं होता है, उसमें भी सारे फंक्शन होते हैं लेकिन एक ही सेल वो करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, अब वो जो अमीबा की बात करें जो पिक्चर में दिया गया है, वो अमीबा जो है वो खाना पकड़ता भी वैसे ही पकड़ता है, खाता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वो सब शो करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट सेल्स परफॉर्मिंग फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। अमीबा के अंदर सारे काम एक ही सेल करते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर के अंदर वो अलग अलग सेल से टिश्यू बना होता है और अलग अलग टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन जो है अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द सेल के बारे में। शेप ऑफ द सेल्स, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इररेगुलर, इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सिडोपोडिया, एज यू लर्न इन क्लास 7, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स ऑन फीट्स। शेप की बात करें तो हमारा शेप तो फिक्स होता है, हाथी भी एक जैसा ही होता है, शेप तो फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं किसी की तीन आंखें हैं, किसी के चार हाथ हैं, किसी की एक ही टांग है, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई हाथी देखा है एक पैर वाला हाथी, कोई गधा देखा है एक पैर वाला, नहीं दो पैर वाला गधा देखा, इतने तो बैठे नहीं देखा, शीशा देखना जाके सबको दिखेगा दो पैर वाला गधा। तो जो एनिमल्स हैं उनका ऑर्गेनिज्म का शेप सिमिलर, मतलब स्पेसिफिक होता भी यही होता है, लेकिन अमीबा को आप देखोगे तो उसका शेप एक नहीं है, उसका शेप बदलता रहता है, क्योंकि एक ही सेल से बना है ना, तो अपना शेप बदलता रहता है और इसके ऊपर आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगी बाहर। अब फिगर अगर देखोगे तो आप इसके ऊपर आपको अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस दिखेंगे जिनको हम कहते हैं सिडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सिडोपोडिया। सिडोपोडिया का मतलब होता है, सिडो का मतलब होता है फॉल्स यानी कि झूठा, पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर, झूठे पैर। वो झूठे पैर क्यों होते हैं? ताकि वो मूवमेंट कर सके या फिर ऐसे करके खाने को निगल सके। अगर आप पिक्चर में देखो तो अमीबा के शेप ऐसा होता है, देखो पहले ऐसे दिखेगा,
फिर धीरे धीरे वो ऐसे दूर खुलता जाता है मुंह की तरह, फिर वो खाने को अपने अंदर ऐसे निगल लेता है और फिर खा जाता है। तो यानी कि उसका शेप बदलता रहता है, वो बिकॉज ऑफ सीडोपोडिया होता है, सीडोपोडिया। ठीक है, अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। हमारी बॉडी के अंदर, अब ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर आपको ना RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर WBC जो होते हैं, दे आर सिंगल सेल होते हैं जो कि शेप बदल सकते हैं। वो सिंगल सेल होते हैं किस तरह के, जो अपना शेप बदल सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर WBC अपना शेप बदल सकते हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमारी बॉडी के अंदर WBC है, वो शेप बदल सकते हैं, लेकिन अमीबा तो पूरा एक सेल से ही बने हैं। हमारी बॉडी के अंदर तो WBC है बहुत सारे, लेकिन उसकी बॉडी तो पूरी एक सेल से बनी है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? This figure shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions. तो अलग अलग जो humans हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के cells होते हैं और वो अलग अलग functions को भी perform करते हैं। Generally cells are round, ज़्यादातर cells कैसे होते हैं, round, spherical या फिर elongated। राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर एलोंगेटेड लंबे भी हो सकते हैं, पिक्चर में दिए गए। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, कुछ सेल्स दोनों तरफ से तीखे होते हैं, ऐसे साइडों से तीखे लंबे और साइडों से तीखे। गिल्ली डंडा खेलते हैं, गिल्ली डंडा में गिल्ली कैसी होती है, दो तरफ से तीखी होती है, वैसे तो वैसे होते हैं कुछ। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी सेल्स लंबे हो सकते हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, कुछ ब्रांच हो सकते हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हो ब्रांच किया हुआ, ब्रांच मतलब एक के साथ एक जुड़े हुए, पेड़ की ब्रांचेस कैसी होती है वैसे होते हैं कुछ। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स, वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं। नर्व सेल्स यानी कि जिसमें नसें आती हैं, नाड़ी तंत्र बोलते हैं, तो नसें जो होती हैं वो क्या करती हैं, मैसेज ले जाने का और लाने का काम करती हैं। इस तरह से वो कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। जैसे कि आप देखो, आपने कभी देखा कि हम कांटे के ऊपर पैर रखते हैं तो कांटा फिर पार हो जाता है, हाथ पैर के बिल्कुल पार हो जाता है, नहीं, हम पैर जैसे ही कांटे के ऊपर जाएगा हम पैर डालेंगे और थोड़ा कांटा अंदर जरूर जाएगा लेकिन इतना नहीं जाएगा। कैसे होता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम है, वो क्या करते हैं, नर्व सेल्स वो मैसेज दे देते हैं कि कांटा है पैर के नीचे, तुरंत हमारा पैर आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो जाता है। कपड़े इस्त्री करते हैं, जब आयन करते हैं, कभी कभी गर्म चीज़ छू जाती है, गर्म आयन जो है हाथ को लग जाती है, तो क्या हाथ पूरा सड़ जाता, जल जाता है, उसके बाद अरे हाथ तो मेरा जल गया, क्या होता है, टच होती है इधर हो जाता, तो क्विक फंक्शन होता है। ऐसे जवाब आते हैं, मैसेज आता है कि हाथ हटाओ, हाथ हट जाता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप, components of the cell are enclosed in a membrane, this membrane provides shape to the cells of plants and animals, cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells, it gives shape and rigidity to these cells, bacterial cell also has a cell wall. ab jo hamare cells hote hain inko shape kis se milti hai, membranes, membrane matlab ek aisi jhilli hoti hai jiske andar cell pack hote hain, us membrane ki wajah se cell ko kya milta hai, shape milta hai। प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, वो सेल को स्ट्रेंथ और शेप देती है। बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं उसके अंदर भी सेल वॉल होती है। अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ सेल्स, सेल्स के साइज के बारे में। The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter, that is micron, or may be as large as few centimeters. अब living organisms के अंदर सेल जो होते हैं वो इतने छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोन, मिलियंथ ऑफ अ माइक्रोन, यानी कि एक माइक्रोन का मिलियन हिस्सा, या फिर इतने बड़े भी हो सकते हैं कुछ सेंटीमीटर बड़े भी। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। और नंगी आंखों से उनको नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे
नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, इनको बड़ा करना पड़ता है माइक्रोस्कोप से, फिर देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, सबसे छोटा सेल जो होता है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया का, और सबसे बड़ा सेल जो होता है वो 170 एमएम से लेके 130 एमएम तक हो सकता है। दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल है, 170 एमएम से लेके 130 एमएम, सॉरी 170 एमएम इंटू 130 एमएम, ठीक है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, सेल का साइज उस एनिमल की बॉडी के साथ या प्लांट की बॉडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये नहीं है कि बड़ा सेल तो बड़ी बॉडी, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट्स, तो जो सेल्स हैं एलिफेंट के अंदर वो बड़े हों और चूहे के अंदर छोटे हों ऐसा जरूरी नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, साइज सेल का है वो रिलेट करता है उसके फंक्शन से, जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं सेल्स वैसे ही उसका साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, हाथी के अंदर बात करो या फिर चूहे के अंदर बात करो, दोनों के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं जो मैसेज ले जाने लायक काम करते हैं नर्व सेल्स, वो सेम होते हैं और उनका काम क्या होता है ट्रांसफरिंग द मैसेज, वो मैसेज लेके भी जाते हैं और लेके भी आते हैं, यही काम होता है उनका, ठीक है।